आज आप पत्रकार परिषद रखने की वजह यह है कि अभी जो आपको सबको पता है कि जो प्रकरण चल रहा है नारेगांव का और कचरा पट्टी के सामने जो 2 एकड़ जमीन का जो प्रकरण चल रहा है, जिसका जो बवाल हो रहा है कि वो जमीन बेची गई है, वो जमीन बेची नहीं गई है, वो जमीन बेची नहीं गई है, वो जमीन को जनता के अंदर जो बेवा है, अंधे अपंग लोग है और जो किराए से रहते हैं, उनको वहां रहने के लिए हम लोगों ने एक व्यवस्था की है। और आज तक के 2 साल से कलेक्टर साहब और डिविजनल कमिश्नर जो अपने औरंगाबाद के केंद्रेकर साहब और अभी जो अड़दर साहब आए, उनको भी पता है और पूना के कलेक्टर को पता है, पूना के डिविजनल कमिश्नर साहब को पता है और दिव्यांग आयुक्त जो है पूना के उनको पता है और महिला और बाल विकास आयुक्त सबको पता है कि ये जमीन के वास्ते हमने बहुत जद्दोजहद की, मगर कुछ नेताओं की वजह से हमारे जो कलेक्टर है आस्तिक कुमार पांडे साहब, उन पे दबाव आ रहा था ये जमीन अलर्ट नहीं करने के लिए और वो बहुत प्रेशर में चढ़ रहे थे और वो चाहते हैं कि भाई ये अच्छा काम हो रहा है और ये इसको मैं पूरा सपोर्ट करूं, मगर नेताओं की और कुछ दलालों की वजह से वो परेशान हो गए और वो परेशानी की वजह से आज वो लोगों ने वो जो करने वाले थे वो हमको करना पड़ा। और मैं जमीन मालक हूं और जमीन मालक होने की वजह से मैंने वो गरीब लोगों को वहां पर रहने के लिए एक लेटर दिया हूं और वहां पर एक बॉन्ड बना के दिया हूं। आप बेच नहीं सकते उसको, हमारी संस्था है, हमारी संस्था का अलॉटमेंट लेटर भी दिया उनको कि आप बेच नहीं सकते, आप वो लेटर पढ़िए। कुछ पाखंडी लोग हैं जो मस्जिद के नाम से और पैसे लिया है और वो जगह बेच दिया है, ये सब पाखंडी बात है। वहां दिव्यांग शाला होने वाली है और भिक्षाकारी केंद्र बनने वाला है और ये लोग जो है उनकी खिदमत करेंगे, ऐसा सोचकर हमने एक अच्छा कार्य के लिए काम किया है और हम चाहते हैं कि इसके अंदर सब जात के सब समाज के लोग आगे आए। आज आप देख रहे हैं कि भिक्षाकारी कितने लोग हो गए, आज भिक्षाकारी इतने हो गए कि उसके अंदर कई लोग नशे के अंदर चले गए। हम नशा मुक्त अभियान करते हैं मगर नशा मुक्त अभियान नहीं हो रहा है, भिक्षाकारी नशा करके भीख मांग रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि वहां भिक्षाकारी लोग आए और भिक्षाकारी को हम अच्छे से अच्छा गाइडेंस करें और उनको भीख मांगने से रोके। और जो दिव्यांग लोग है जो आत्महत्या कर रहे हैं, बहुत परेशान है दिव्यांग लोग, जिसकी वजह से कई आत्महत्या हो गई है उनकी, तो हम चाहते हैं वो दिव्यांग लोगों को एक अच्छी व्यवस्था करें। ये डिविजनल कमिश्नर साहब, जिलाधिकारी और दिव्यांग आयुक्त सबको पता है, इन सबसे बात हो रही है 2 साल से मगर इसका कोई हल नहीं निकल रहा था। तो हमने एक हल ऐसा निकाला कि उनको रहने की व्यवस्था करने, जो बेवाएं हैं वो किराया नहीं भर सकती, जो गरीब लोग हैं वो किराया नहीं भर सकते, मगर उनको मजबूरी में अपने बाल बच्चों का पेट काट के वो किराया भरना पड़ रहा था। तो हमने चाहा कि वो किराया ना भरते हुए अपने बाल बच्चों के जो निवाले काट रहे हैं वो अपने बाल बच्चों के पेट में डाले, उनको अच्छे से अच्छा खिलाए और उनको आईएएस और आईपीएस और एमबीबीएस जैसी पढ़ाई में आगे ले जाए और हम उनका पूरा साथ देने के लिए तैयार है। ये मैंने आज तक के सब डिपार्टमेंट के अधिकारियों को भी बोला हूं कि हमारे गरीब बच्चे आईएएस ऑफिसर बने, आईपीएस बने, एमबीबीएस करें ताकि हमारा समाज, हर तबके का समाज आगे जाए। अभी मैंने ये लेटर दिया हूं विभागीय हिसाब को और मुख्य न्यायाधीश मुंबई और मुख्य न्यायाधीश अपने जिला सत्र न्यायाधीश सबको एक लेटर दिया हूं, जिलाधिकारी साहब को लेटर दिया हूं। अगर 8 दिन में पुलिस कर्मचारियों को और घाटी के कर्मचारियों को और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद के कर्मचारियों को, महानगर पालिका के कर्मचारियों को और महावितरण के कर्मचारियों को और जिला वकील संघ के कर्मचारियों को और तलाटी मंडल के कर्मचारियों को और जो घाटी हमारा शासकीय घाटी रोगनालय है उनके कर्मचारियों को, ये 8 दिन में ये जो जमीन है, ये 80 एकड़ जमीन है जो गवर्नमेंट की है, ये उनको 8 दिन में अलर्ट करे। नहीं तो दबंग मीडिया अपने स्टाइल में जिला अधिकारी औरंगाबाद कार्यालय के सामने धरना आंदोलन करेगा और ऐसा करेगा कि हम चाहते हैं कि हर किसी को घर मिले, कोई किराए से कोई किराया ना दे। आज अगर ये शासकीय लोगों को दी जाती, पुलिस कर्मचारियों को दी जाती है तो जो भत्ता दिया जाता है इनको किराया भरने के लिए गवर्नमेंट का, कई 5,000, कई 10,000, कई 4,000, तो गवर्नमेंट के कई लाखों रुपए हम बचा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जमीनें पड़ी हुई है, ये जमीनें पड़ी हुई है और इस पे कई माफियाओं की नजर है। हम चाहते हैं कि ये जमीनें शासकीय जो कर्मचारी है उनकी लिए यूज की जाए और गवर्नमेंट का पैसा बचाया जाए। हम भी यही चाहते हैं कि जो गरीब, अभी आप देख रहे हैं कि कई बार
घर कुल की योजनाओं की मीटिंग हुई, घर कुल योजनाओं के बारे में कहीं बार भी हमारे अभिजीत चौधरी साहब ने कई ऐसा लक्ष्य लिया था कि भाई घर कुल योजना मिलना चाहिए, मगर हमारे जब भी कोई अच्छा अधिकारी आता है उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है, नहीं तो उसको एक धब्बा लगा के भगा दिया जाता है। बकरिया साहब थे, बकरिया साहब ने अच्छा काम किया, निधि पांडे ने अच्छा काम किया, अमितेश कुमार जैसे कमिश्नर अच्छा काम किया, फिर जब ये अधिकारी चल जाते हैं तो फिर हमारा शहर फिर नशे में चल जाता है, फिर ये जो गरीब गरीब अवाम है उनको धोखा देकर कई माफिया कई लीडर अपना जेब भरते हैं। अरे ये कब तक चलेगा? हम चाहते हैं कि बंद होना चाहिए और जो गरीब जनता है उनके बारे में सोचना चाहिए, और जो दिव्यांग लोग जो आत्महत्या करने मजबूर हो रहे हैं उनको भी आप उनका जो हक मारकर जो अपने घर को रोशन करे वो हक वो रोशन ना करते हुए उनकी रोशनी के अगर वो नहीं देख सकते तो कम से कम उनका सहारा बने। और हम ये चाहते हैं कि जो अभी जो 70-80 एकड़ जो जमीन है ये सब शासकीय जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं, जितने भी नीम शासकीय और नीम शासकीय जो लोग हैं उनको ये जमीन अलर्ट करके दी जाए और उनको किराया मुक्त और भाड़ा मुक्त किया जाए ताकि वो अपने बच्चों का दो निवाला अच्छे से अच्छा खिला सके। वो जमीन पर किसी का कब्जा नहीं है, जमीन मालक मैं हूँ और हमने वो जमीन लोगों को रहने के लिए दी, बेचने के लिए नहीं दिए। उसमें हमने उल्लेख भी किया है कि आप बेच नहीं सकते, आप रह सकते। अभी हमने ये सब इसके अंदर उल्लेख किया है, डिविजनल कमिश्नर साहब यहाँ तक के मुख्य न्यायाधीश मुंबई और यहाँ तक के मुख्य न्यायाधीश जिला सत्र न्यायाधीश उन सबको हमने ये लेटर दिया है कि ये जो माफियाई लोग जो गलत अफवाह फैला रहे हैं उस पर ध्यान ना दे और पूरी चौकसी करे और जो गरीब लोग बैठे हैं उनका सहारा बने, और जिसका टीन लाने बनी है उनको टीन लाके दे, जिनको रहने के लिए वहां पर व्यवस्था नहीं है वो व्यवस्था वहां पर आकर खुद अपने आंखों से देखकर उनको करके दे। ये माफियाओं के आप जो बोली सुधी बातों पे मत जाए, वहां आकर देखे किसी के पास टीन लाने को नहीं है, किसी का बल्ला लाने को नहीं है, मगर फिर भी बेचारे लोग गरीब लोग कैसा भी करके अपनी झोपड़ी बना रहे और वहां पर ये माफिया लोग पुलिस वालों को भेजकर और अपनी माफियागिरी से पैसों से वहां पर गरीबों का घर तोड़ते जा रहे हैं। आपके जो गंभीर आरोप हुआ कल उसका क्या जवाब देंगे आप? आपके खिलाफ जो षड्यंत्र यूट्यूबर बुला के मैं यूट्यूब के बारे में जो हमारे जो यूट्यूबर चैनल वाले हैं मैं उनसे निवेदन करता हूं, अपील करता हूं और उनसे एक गुजारिश करता हूं कि हमेशा अच्छी खबर दे और अच्छी खबर दे और हकीकत वाली खबर बताए, और जो चीज आपको बताई जा रही है पहले उसका पड़ताल करे और उसके बाद न्यूज लगाए। आप वहां जाकर देखे और लोगों का हाल पूछे कि ये जमीन कल उनके जो चेहरे पे खुशी थी घर बनाते टाइम, आज वो जब तोड़ा गया तो उनकी जो खुशी थी आज उनके आंसू बदल गई। अरे ऐसा क्यों करे? हम ये चाहते हैं कि हर यहाँ का जो नागरिक है वो किराया मुक्त भाड़ा मुक्त हो जाए, और जो शासकीय जो अधिकारी अगर उनको पैसा जो गवर्नमेंट देती है वो गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे ताकि गवर्नमेंट अपने आने वाले लोगों के वास्ते अच्छे से अच्छा कार्य करे। जो अभी जिसने दो चैनल पे जो बाइट दिया है और वो खुद तड़ी पार है और वो लोगों को गलत इंफॉर्मेशन देकर और पुलिस वालों को भी वहां पर अपनी गलत इंफॉर्मेशन पहुंचाकर और अपना नाम बढ़ाना चाहता है, मैं उसका नाम लेना नहीं चाहता। वो खुद तड़ी पार है, वो खुद जमीन माफिया है, वो क्या बोलेगा? लोगों को सब मालूम है उसकी हकीकत, कहां पर उसने कब्जे मारा, कहां पर कब्जे नहीं मारा, वो उसमें खुद 20 से 25 गुना दाखिल है, और वो क्या हमारे बारे में बोलेगा? उसको क्या मालूम है कि हम लोग क्या चाह रहे हैं? यहाँ पर डिविजनल कमिश्नर साहब, कलेक्टर साहब, जो अस्तिक कुमार पांडे, सबको पता है कि हम गरीब जनता के लिए क्या चाह रहे हैं। अभी हमने जो लेटर दिया है हम ये चाहते हैं पूरे शासकीय अधिकारियों कर्मचारियों को ये जमीन अलर्ट करे और उनको प्लाट ना दे, इसमें हमारा क्या मफाद है? और हम चाहते हैं कि जो 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 दो यूट्यूब चैनल वालों ने जो न्यूज लगाई है उन्हें भी ये चाहिए था कि उसकी जांच पड़ताल करे, और वो माफिया के पास जाकर जो न्यूज ले रहे हैं पहले उसका बायोडाटा मालूम करे कि वो क्या है, और जिसके बारे में बोल रहा है वो शख्स क्या है जिसने 155 दिन उपोषण डाला जनता के हित के लिए, जनता के अच्छे कार्य के लिए। अगर आपको यकीन नहीं आता तो उठा के देख लो, लॉकडाउन से पहले केंद्र के साहब विभागीय डिजिटल कमिश्नर साहब के सामने हमने 155 दिन उपोषण डाला। क्यों डाला? क्योंकि जनता का अच्छे से अच्छा कार्य हो और वो अच्छे से अच्छा कार्य कर सके। आज घाटी का मुद्दा लिया था केंद्र का साहब ने, वो घाटी के मुद्दों का अच्छा हल किया। आज रोशन गेट की जो जमीन है कई माफियाओं की उसके ऊपर नजर थी, वो माफियाओं की नजर होने की वजह से हमने आवाज उठाई और वो आवाज उठाने की वजह से हमने 155 दिन उपोषण डाला।
उसका मुद्दा भी उसमें था। हमारे डिजिटल कमिश्नर विभाग के केंद्र का साहब ने जबान दी थी कि वो उसको मैं बच्चों के लिए गार्डन बनाऊंगा, और वो उन्होंने अपना वादा पूरा करके यहाँ से चले गए, और आप देखेंगे इंशाल्लाह वो अच्छे से अच्छा गार्डन बनेगा और सामने से मॉल बनेगा, 25 लाख लीटर की टाकी वहां बनेगी। हम जमीन माफियाओं को हटाकर लोगों की अच्छा सोच रहे हैं, और ये जमीन माफिया हम पर तोहमत लगाकर हमें बदनाम कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि ऐसे दो यूट्यूब जो चैनल वाले हैं वो अपने आप को सुधारे और अपने आप को बेइज्जत होने से बचाए, और मीडिया का नाम बेइज्जत होने से बचाए, और जो मीडिया का नाम उनकी वजह से बदनाम हो रहा है ऐसे चैनल वालों से हम चाहते हैं कि सब जितने भी पत्रकार है, मैं आज अपील करता हूं सबसे कि अगर वो ये सुधरते नहीं है तो उनका बायकॉट करें, और वो बायकॉट के अंदर मैं भी आपके साथ रहूंगा और पूरी संगठनाएं आपके साथ रहेंगी। अगर ये ऐसे हरकतें करते रहेंगे ये चैनल वाले और ऐसे न्यूज़पेपर वाले, तो इन सबका अपन मिलकर बायकॉट करें और अच्छे जनता की सेवा करें।